हमारी यात्रा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है चंदनवाड़ी से, और हमारी जो यात्रा होने वाली है शेष नांग तक होने वाली है। भाई साहब देखो रास्ता यार कितना डेंजर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो आज के इस ब्लॉग में मैं नुनवान बेस कैंप पर रुका हुआ हूँ, और ये हमारे पीछे बिल्कुल ताज़ा दृश्य, और ये है टेंट। और इसमें टेंट के जो रुकने के जो प्राइस हैं वो अगर आप बेड लेते हैं तो 375 रुपये है, और आप जैसे ज़मीन में लेटते हैं तो 300 रुपये पर हेड है। और ये यहाँ से कुछ यहाँ का नज़ारा है, और अभी लाइट नहीं है, चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था अच्छी दी गई है। इस वाले बेस कैंप पे रुके हुए हैं भाई, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, एक नंबर है। जय बोलेगी। का जो रुकने का जो प्राइस है वो ठीक है, और आप कुछ खरीदना चाहते हैं रेन कोट वगैरह तो वो आप ज़रूर खरीद लें। गर्म कपड़े वो भी मिलते हैं, और शूज वो भी मिल जाते हैं, चश्मा जो भी आप खरीदना चाहते हैं मार्केट में आप खरीद सकते हैं। और अभी जा रहे हैं लंगर में कुछ खाने के लिए। ये क्या है भैया? कटप्पा बोल दे। ये खाने में, ये यहाँ पर शौचालय हैं, ये जेंट्स हैं, और वो बहुत लंबे तक चले गए हैं, और गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, और ये नहाने के लिए है, लेडीज़ और जेंट्स ऊपर हैं तो। और ये नीचे टेंट है रुकने के लिए, और यहाँ पर, और ये यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है, ये बिल्कुल सामने है। और अभी लंगर करके आए हैं। प्रेम बताइयो क्या क्या मिला खाने को? भेलपुरी और पॉपकॉर्न, चाय, कॉफी, हाँ, और रस। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ए टू जेड सब कुछ था। ए टू जेड था। यस, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं एमपी ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से, और ये हरियाणा से, अब मैं यूपी से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और अभी 4:30 बज चुके हैं, और हम यात्रा के लिए निकल चुके हैं, और अभी और लाइन बहुत लंबी लगी पड़ी है, और पहले कुछ करेंगे चाय पानी, उसके बाद लगेंगे लाइन में। ये सैंडविच और यहाँ फल मॉर्निंग टाइम पे फल भी मिल रहे हैं। नाश्ता करने के बाद और हम सभी लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, और लाइन बहुत लंबी है। और ये सभी लोग आ जाते हैं, केवल वहाँ पर एंट्री कर रहे थे, कितने जो है भक्तगण वो वहाँ पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और कितने और सामान वगैरह जो मशीन से चेक कर रहे थे। गाड़ी में बैठ चुके हैं, और 160 रुपए पर पर्सन है। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोले। और ये लाइन बहुत चंदनवाड़ी इमिग्रेशन के लिए लगी हुई है, और कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है बहुत दूर तक। और इतनी ज़्यादा भीड़ है भक्तों की, और गाड़ी आनियाँ हो गई हैं बंद। और लाइन में लगे ना पूरे 2 घंटे हो गए, अभी तक इमिग्रेशन पे नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर जो चेक पॉइंट है। यहाँ पर जो ये 3 कागज थे उनमें से एक फाड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर जमा करने के बाद वही इमिग्रेशन होगा, वो यहाँ पर अपना कार्ड जो है उस मशीन में लगा के अपनी डिटेल चेक करी जाएगी, जो आधार कार्ड से लिंक होता है, और उसके बाद आपका सामान चेक किया जाएगा। और ये हमारी यहाँ से यात्रा होती है स्टार्ट। हमारी यात्रा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है चंदनवाड़ी से, और हमारी जो यात्रा होने वाली है शेष नांग तक होने वाली है। तो अभी चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कूड़ा खच्चर कर सकते हैं,
और चाहे आप शेषनाग जाना चाहे वहाँ तक, और अगर आप गुफा तक लेना चाहें तो गुफा से 3 किलोमीटर पीछे आपको छोड़ देगा, वहाँ से आपको पैदल जाना होगा। चलो कोई बात नहीं, ट्रैक भी करते रहेंगे और आनंद है वो भी लेते रहेंगे। और जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यात्रियों की ना वो काउंटिंग हो रही थी, बस वो काउंटिंग कर रहे थे भैया और कुछ नहीं। तो बोले जी और चढ़ाई के लिए ना मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा थकान होने लगी अभी से, और अभी केवल 2 से या 3 किलोमीटर ही निकले होंगे, 2-3 किलोमीटर नहीं निकले। वैसे पिस्टू टॉप तक ही चढ़ाई है, और पिस्टू टॉप की जो चढ़ाई है वो 3 किलोमीटर की, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जय बोलेगी। देखो ये खड़ी चढ़ाई, घोड़ा पीछे काम में चढ़ाई के लिए, घोड़ा पीछे काम में। भाई साहब देखो रास्ता यार कितना डेंजर, और भाई साहब बिल्कुल कोने तक जाना है। जय भोलेगी। और ये यहाँ का चारों तरफ का व्यू, ये गीला रास्ता है ना, ये चलने में ना बहुत दिक्कत करता है, तो इसलिए मैं जाऊँगा शॉर्टकट से। जय भोलेगी। भाई फाइनल 11 बजे पिस्टू टॉप पर पहुंच गए हैं। जय बाबा बर्फानी। और ये पिस्टू टॉप हमारे पीछे, और ये पीछे का नज़ारा। भाई साहब बहुत खड़ी चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। जय बाबा की, जय बाबा की। यहाँ पर 5 मिनट रेस्ट करने के बाद जाएंगे आगे, और जय बोलेगी। गुजरात अहमदाबाद से, गुजरात अहमदाबाद से। आपकी चैनल का नाम? सचिन ब्लॉग्स। मैं ना मौसम ख़राब हो रहा है, तो इसलिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी शेषनाग पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं तो आपको वापस चंदनवाड़ी आपको वापस जाना पड़ेगा। पर पिस्टू टॉप में ये मौसम बहुत ज़बरदस्त ख़राब हो रखा है, इसलिए यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो और इसलिए वो कह रहे हैं शेषनाग आप जाएँ वहाँ पर रुकें, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा चंदनवाड़ी। तो सभी भक्तगण जो है शेषनाग की तरफ जा रहे हैं। जय भोलेगी। चले जय भोलेगी। ये गीला रास्ता और रखा बहुत। ये आप कुछ देख रहे हैं, ये लैंस फ्लैट एरिया है, जो कच्चे पहाड़ हैं ये खस्ते रहते हैं, जब भी बारिश होती है पहाड़ खस्ते रहते हैं। और भाई साहब इस वाली पहाड़ी पे ना बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ है, एकदम पूरा वाइट वाइट हो रखा है, और मौसम भी बहुत ख़राब है। और ये नज़ारा देखो आप, और यहाँ से शेषनाग जो है वो पूरा 4 किलोमीटर की दूरी पे, और वहीं हम करेंगे स्टे। और अभी जो टाइम हुआ है वो 1:30 बज चुके हैं, और इन और यहाँ पर ना बहुत खूबसूरत 2 झरने हैं। भाई साहब आप देख सकते हैं कितना बेहतर, और ये पहाड़ों का जो ग्लेशियर हैं ये बर्फ़ के हैं, और
और ऊपर पहाड़ों पर ही बर्फ है और सामने शेषनाग झील और देहरा बेस कैंप और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। अब हम ना इस ग्लेशियर से ऊपर से जाएंगे और चंदनवाड़ी से 9:45 बजे निकले से वहाँ से और उसके बाद ट्रैक स्टार्ट किया और हम पहुँच गए बिल्कुल 4 बजे शेषनाग बेस कैंप। और ये बेस कैंप है और मुझे सुबह निकलना है पंचतरणी के लिए सामने वाले रास्ते से, तो अभी हम शेषनाग ही रुकेंगे और यहाँ पर चेक पॉइंट है और चलते आगे। अभी हम बेस कैंप में ये ले लिया है कैंप और ये जमीन वाला है 500 रुपये पर हेड है यहाँ शेषनाग में। भाई साहब यहाँ तो लूट मचा रखी, यहाँ 350 रुपये में 375 रुपये में वहाँ ये तो था कम से कम बेड मिल रहा था चंदनवाड़ी में। और ये रही आज की पूरी जर्नी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आपको फिर से बता दूँ कि चंदनवाड़ी सुबह 6 बजे से यात्रा स्टार्ट होती है और सर्दी बहुत हो रखी है और पूरी बुरी तरीके से थक चुके हैं। पूरा 4 बजे तक हम यहाँ पर आ चुके थे और यात्रा हमारे जो स्टार्ट 9:45 बजे आ रही है, हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी और मैं नूनू बेस कैंप से और जो चंदनवाड़ी तक का जो किराया था वो 160 रुपये पर हेड था। वहाँ पर इमिग्रेशन 2-3 घंटे में हुआ और उसके बाद वहाँ से निकले यात्रा में और 4 बजे तक हम आ गए बीस कैंप पर। तो आज की जो जर्नी है यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में और नेक्स्ट वाला ब्लॉक बहुत अच्छा होने वाला क्योंकि सफ़र में बर्फ़ मिलने वाली है लोग बता रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला ब्लॉक आप जरूर देखें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। तब तक गुड बाय, जय बाबा बरमानी, जय भोलेनाथ।